इस वक्त हम बेतिया जीएमसीएच में मौजूद हैं और यह अस्पताल की बदहाली यह है कि चार दिनों से यहाँ पे पानी नहीं है। 850 करोड़ की लागत से यह जीएमसीएच तैयार किया गया है। सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे 3 दिन 4 दिन से लोग परेशानी में हैं, पानी के लिए बेहाल हैं। और देखिए खाना पूर्ति कैसे की जा रही है, 20-20 लीटर के गीलन से लाकर टंकी को भरा जा रहा है, यानी मोटर खराब है उसको बनवाया नहीं जा रहा है, 20-20 लीटर के गैलन से पानी लाकर यहाँ पे भरा जा रहा है ताकि मरीजों को पानी मिल सके। वो भी सिर्फ पानी जो डायलिसिस सेंटर है, यानी जहां पे लोगों का डायलिसिस, उनके वार्ड तक ये पानी की सप्लाई है, बाकी पूरे अस्पताल में कहीं भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज हैं जो परेशान हैं, मरीज के परिजन परेशान हैं, बाहर से पानी ला रहे हैं, यानी अस्पताल में साफ सफाई किसी चीज का ध्यान नहीं है। पानी के कारण पूरा अस्पताल बेहाल है, मरीज परेशान है। लेकिन आपको बता दें कि सूबे का जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है बेतिया जीएमसीएच, और सरकार दावा करती है 850 करोड़ रुपये की लागत से यह अस्पताल को तैयार किया गया, लेकिन सुविधा के नाम पर खाना पूर्ति है, 3 दिन से 4 दिन से मोटर खराब है लेकिन बनवाए नहीं जा रहा। और दिखावे के लिए जब इसके बारे में जानकारी दी गई तो 20-20 लीटर के गीलन से टंकी में पानी भरा जा रहा है ताकि मरीजों को कुछ सहूलियत मिले, वो भी पूरे अस्पताल को नहीं, सिर्फ टंकी में पानी भरा जा रहा है क्योंकि डायलिसिस सेंटर है और वहां पे लोगों को कुछ पानी मिल जाए। जो डायलिसिस जो चल रहा है यहाँ पे, डायलिसिस जो मरीजों का हो रहा है, उसका पीपी जो मोड पे चल रहा है, यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि यहाँ ही पे सिर्फ पानी जा रहा है। आखिर में क्यों पूरे अस्पताल में पानी नहीं है, कहीं भी पानी की सप्लाई नहीं है, मोटर अंदर 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, अस्पताल के जो मरीज से लेके जो भी लोग हैं वो परेशान है। यहाँ पे वो पीपीपी मोड के जो डायलिसिस सेंटर के हैं उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कारण है यहाँ पानी नहीं आ रहा और यहाँ पे पानी गैलन से भरा जा रहा है? पिछले 3 दिन से यहाँ पे मोटर खराब है जिसके कारण से पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन हमारा जो पीपीपी मोड पे डायलिसिस चल रहा है, नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज हमारी कंपनी का नाम है, जो हमारे हर जिले में सदर हॉस्पिटल में और यहाँ भी है, यहाँ पे जीएमसीएच में है, तो पिछले 3 दिनों से डायलिसिस में पानी नहीं थी जिसके कारण से पेशेंट का डायलिसिस नहीं किया जा रहा था। पेशेंट परेशान थे, उनका कॉल आ रहा था, स्टाफ परेशान थे। यहाँ तो मेरा बेस लोकेशन एक्चुअली मुजफ्फरपुर में है, मैं क्लस्टर मैनेजर हूँ नेफ्रो प्लस का। मैं वहाँ से आया हूँ सिर्फ यही करने के लिए कि ताकि यहाँ पे पानी की सुविधा मिले पेशेंट को और हमारा डायलिसिस एटलीस्ट चल पाए। अगर डायलिसिस एक पेशेंट का एक दिन ना हो तो वो नेक्स्ट डे उनका तबियत खराब होना, उनकी मौत निश्चित है। तो उसके कारण से हम लोकल लेवल से हॉस्पिटल से हमें मदद नहीं मिल पा रही है। हॉस्पिटल अपना काम कर रहे हैं, मोटर बैठाया जा रहा है, फेल हो गया है, फिर अभी भी मोटर की काम चल रही है, तो हम लोकल लेवल से इसमें पानी भर रहे हैं ताकि हमारा टंकी फुल हो और जिसके कारण से हम डायलिसिस की सुविधा हम पेशेंट को दे सके और पेशेंट डायलिसिस ले सके। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम भास्कर हुआ। सुन लीजिए ये तस्वीर है बेतिया जीएमसी, 850 करोड़ रुपए की लागत से बेतिया जिला पदाधिकारी से लेके यहाँ के सिविल सर्जन, चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री को तक देखना चाहिए कि इतने बड़े अस्पताल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, 3 दिन से मोटर खराब है लेकिन 850 करोड़ रुपए के अस्पताल में एक मोटर नहीं बन पा रहा है, और डायलिसिस जो जो जिनको दिया गया है चलाने के लिए और जहां मरीजों का इलाज हो रहा है उनके लिए वो प्राइवेट से पानी लेके आ रहे हैं ताकि उन मरीजों का इलाज कम से कम हो सके। लेकिन बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को देखनी चाहिए ये खबर कि इतने बड़े सूबे में, इतने बड़े अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है और एक मोटर बनाने का समय तक नहीं है और 3 दिन से लोग बेहाल हैं। इस वक्त हम बेतिया जीएमसीएच में हैं और पानी के कारण यहाँ के मरीज परेशान है, बेहाल है। 4 दिन से 850 करोड़ की लागत से बना यह जीएमसीएच अस्पताल के मरीज पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। 4 दिन से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, जो मरीज के परिजन हैं वो दर दर भटक रहे हैं पानी का गैलन लेके, यानी वो बाथरूम जाना या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो पानी के लिए वो दर दर भटक रहे हैं और मरीज यहाँ पे परेशान है, बेहाल है। कहाँ से पानी लेके आए? नीचे से। पानी टंकी में आ रहा है कि नहीं? नहीं, नहीं। कितने दिनों से नहीं आ रहा? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया पानी आ रहा है? नहीं, नहीं। तो कैसे आप लोग काम चला रहे हैं? बाहर से पानी लाते हैं, खरीद के लाते हैं। और पानी क्या यहाँ पे कोई सुविधा नहीं? नहीं, बाथरूम जाने के लिए तो इतना दिक्कत हो रहा है कि क्या पूछिए। ये मरीज हैं, इनकी व्यथा सुन लीजिए, पानी के लिए परेशान है। अस्पताल देखिए, पानी के कारण अस्पताल की गंदगी देखिए, पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। 850 करोड़ रुपए की लागत से ये अस्पताल बना हुआ है लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं है, मरीज परेशान है, बेहाल है, और यहाँ पे 20-20 लीटर के गैलन से टंकी में पानी भरा जा रहा है, वो भी किस लिए? सिर्फ डायलिसिस के जो मरीज हैं उनके लिए, लेकिन बाकी मरीजों के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए, बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहिए, बेतिया डीएम को देखना चाहिए, यहाँ के सिविल सर्जन को देखना चाहिए, अस्पताल प्रशासन को देखना चाहिए कि चार दिन से 850 करोड़ रुपए की लागत से ये जो जीएमसीएच बन के तैयार है, यहाँ पे पानी का एक मोटर बनने को तैयार नहीं है और लोग पानी के लिए परेशान है। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत, बेतिया।